नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल न्यूज बीट्स में स्वागत है। मैं अनी दास आज आप सबके लिए प्राचीन मिस्र की सभ्यता का इतिहास लेके आई हूँ। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका और एशिया अरब को जोड़ता है। मिस्र प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है, खासकर गीजा के पिरामिडों के आसपास बसे शहर को सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ की प्राचीन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से भी अधिक समय से विद्यमान थी। तब यहाँ फराओ वंशी नामक राजाओं का शासन था, जो क्रमश कई 525 ईसा पूर्व तक चला। फराओ पेपी पिरामिडों का यह शहर अपनी समृद्ध प्राचीन परंपरा और इतिहास का खुद गवाह और सबूत है। संसार की प्राचीन सभ्यताएं नदियों की घाटियों में जन्मी और विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता का विकास भी वहां की प्रमुख नदी नील की तलहटी में हुआ। इसी कारण इसे नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के फलस्वरूप हुई। मिस्र विजय अभियान के दौरान नील नदी के मुहाने पर स्थित रोजिटा नामक स्थान से एक पत्थर का शिलालेख प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी विद्वान शाम्पोलो ने 1818 ईस्वी में इस लेख को पढ़कर मिस्र की गौरवशाली सभ्यता के रहस्य का उद्घाटन किया। कालांतर में 1922 ईस्वी में अंग्रेज पुराविद हॉवर्ड कार्टन ने तूतेन खामन नामक मिस्री सम्राट के पिरामिड के गुप्त द्वार की खोज करके मिस्र की सभ्यता को प्रकाशमान कर दिया। इतिहासकार पिलंडर्स पेट्री के अनुसार मिस्र में आज से लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व सभ्यता का आरंभ हो चुका था, परंतु मिस्र में 3400 ईसाई पूर्व में मेनिज नामक शासक द्वारा वास्तविक राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। जानकारी के अनुसार हजरत मूसा फराओ के शासनकाल में लगभग 1500 वर्ष मिस्र में ही रहे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। वे बड़े होकर मिस्री राजकुमार बने और बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई और वे मिस्र छोड़कर अपने देश यरूशलम चले गए। मिस्रवासी ईश्वरवादी होने के साथ साथ ही कई देवी और देवताओं की पूजा करते थे। कहते हैं कि प्राचीन मिस्र में लगभग 1400 देवी देवताओं की पूजा होती थी। मिस्र में मूसा के कबीले के लोग रहते थे, फिर वे इसराइल चले गए। बाद में यहाँ पुनः यहूदियों की आबादी हो गई। फिर ईसाई धर्म के उत्थान काल में यहाँ ईसाइयों की बहुलता हो गई। लगभग 4थी और 6थी सदी के आसपास मिस्र में सबसे ज्यादा ईसाई रहते थे, लेकिन आज 90% मुसलमान है। मिस्र अब एक मुस्लिम देश है। प्राचीन मिस्र की महिलाएं आजाद थी। ये जमीन खरीद सकती थी, अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वे बाहर काम करने जाती तो उन्हें समान वेतन भी दिया जाता था। प्राचीन भारत में सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन केंद्र था। यहाँ से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुँचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और जॉर्डन से इजराइल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जा सकता था। हालांकि इजिप्ट पहुंचने के लिए ईरान से सऊदी अरब और फिर इजिप्ट जाया जा सकता है, लेकिन इसमें समुद्र के दो छोटे छोटे हिस्सों को पार करना होता है। इजिप्ट प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपद, आदिपद नाम के तीन भाई मिस्र में ही रहते थे।
गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बनाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। मिस्र में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा देवता के रूप में माना जाता है। यहाँ अनेक औषधियाँ भारत से मंगाई जाती है। भारत और मिस्र की भाषाओं में बहुत से शब्द और उनके अर्थ समान है। मिस्र के पुरोहितों की वेशभूषा भारतीय पुरोहितों व पंडितों की तरह है। उनकी मूर्तियों पर भी वैष्णवी तिलक लगा हुआ मिलता है। एलोरा की गुफा और इजिप्ट की एक गुफा में पाई गई नक्काशी और गुफा के प्रकार में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड वहां के राजाओं की एक प्रकार की कब्रें हैं। मिस्र की सभ्यता में राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मिस्र निवासी राजा को देवपुत्र के रूप में मानते थे। मिस्र का राजा, जिसे फराओ कहा जाता था, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होते थे। फराओ का आदेश मिस्र वासियों के लिए कानून था। शासन कार्य में राजा को परामर्श देने के लिए साड़ू नामक एक परिषद होती थी, किंतु राजा परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। इसी प्रकार सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए कुछ मंत्री भी होते थे। प्राचीन कालीन मिस्र का समाज मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभक्त था। प्रथम उच्च वर्ग था, जिसमें सम्राट, सामंत, पुरोहित, जमींदार राज्य के उच्च अधिकारी थे। इनका जीवन वैभव एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। दूसरा मध्यम वर्ग था, जिनमें व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिल्पी एवं लिपिक आदि आते थे। तीसरा निम्न वर्ग था, जिसमें किसान, मजदूर, दास तथा अन्य निर्धन लोग शामिल थे। मिस्रवासियों का रहन सहन काफी अच्छा था। उच्च वर्ग के लोग आलीशान महलों में तथा निम्न वर्ग के लोग कच्चे मकानों में रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही आभूषण बहुत प्रिय थे। मिस्रवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पशुओं की लड़ाई, नृत्य, संगीत, शारीरिक कलाबाजी, कुश्ती, पक्षियों की लड़ाई एवं मछली मारना आदि इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। नील नदी की तलहटी में बसे होने के कारण मिस्र एक उपजाऊ एवं उर्वर प्रदेश था। इसीलिए यहाँ के निवासियों के जीवन का मुख्य आधार कृषि था। मिस्र के निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मिस्र के शिल्पकारों का कौशल उच्च कोटि का था। मिस्र के शासकों ने भव्य मंदिर और विशालकाय पिरामिडों का निर्माण किया। मिस्र के पिरामिडों की स्थापत्य कला आज के शिल्पियों के लिए आश्चर्य का विषय है। मिस्रवासियों ने 70 पिरामिडों का निर्माण किया। इनमें गीजा का पिरामिड तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस पिरामिड का निर्माण लगभग 2650 ईस्वी में सम्राट सियोफ द्वारा किया गया। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा, जिनमें 100,000 मजदूर काम करते थे। मिस्र के पिरामिडों को प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक चीजों में रखना सर्वथा उचित है। मिस्रवासियों ने अनेक भव्य एवं विशालकाय मंदिरों का निर्माण भी किया, जिनमें कानर्क, अबू सिंबल एवं लक्सोर के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। मिस्र के निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। चिन मिस्र की मूर्ति कला उत्कृष्ट कोटि की थी। मिस्र के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई फराओ की 80 से 90 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते। इसी तरह गीजा के पिरामिड के निकट सिफिक्स की मूर्ति मिस्र की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मिस्र के चित्रकार भी कुशल हस्त थे। उन्होंने मंदिरों की दीवारें, महलों के कक्षों एवं पिरामिडों के अंदर बड़े ही जीवंत और आकर्षक चित्र बनाए। विश्व में सर्वप्रथम शिक्षा का विकास मिस्र में ही हुआ। यहाँ मंदिरों में पुरोहितों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सरकार शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती थी। लेखन कला के संबंध में मिस्रवासियों का प्रथम स्थान था। विद्वानों का अनुमान है कि 3000 ईसा पूर्व तक मिस्रवासियों ने लेखन कला में कुशलता प्राप्त की थी। प्राचीन मिस्र की कहानियों में शामिल है एक कहानी, भगवान की जमीन या लैंड ऑफ पुंट की। कहा जाता था कि यहाँ से निकलने वाले लोगों के हाथ खजाना लगा करता था।
माना जाता है कि यह सबसे पुरानी काल्पनिक कथाओं में से एक है। हालांकि पुरातत्वविदों का मानना है कि पुंट वाकई में एक जगह थी। हाल ही में 3300 साल पुराने एक बबून की खोपड़ी उनके हाथ लगी है, जिसे उसी जगह का बताया जा रहा है। मिस्र के लोगों ने 4500 साल पहले पुंट जाना शुरू किया था और हजारों साल तक जाते रहे। हालांकि इससे जुड़े लेखों में जिस खजाने का जिक्र किया जाता था, उनमें खाने के सामान से लेकर धातु और दुर्लभ जानवर भी शामिल थे। वह खजाना कभी हाथ नहीं लगा, लेकिन अब इस खोज से प्राचीन कथा की ओर उनका ध्यान गया है। ये अवशेष हमाद रियास बबून के बताए जा रहे हैं, जिसकी खोज 19वीं सदी में थेविस के शहर में की थी। मिस्र के लोग इस बबून को विवेक के देवता या थ्रोट के रूप में मानते हैं। इसे सूर्य देवता से भी जोड़ा जाता है। हालांकि प्राइमेट्स की ये प्रजाति मूल रूप से मिस्र की नहीं है। डामिनो और उनके साथियों ने बबून के दांतों में स्ट्रॉन्शियम के आइसोटोप्स की स्टडी की थी। इस स्टडी से पता चलता है कि बबून मिस्र में नहीं पैदा हुआ था, बल्कि आज जहां एरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया का क्षेत्र है, वहां हुआ होगा। यही वह इलाका है जहां पुरातत्वविदों के मुताबिक पुंट का क्षेत्र है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि यह बबून उसके खजाने का हिस्सा है। इसी तरह मिस्र में हजारों साल पुराना एक मंदिर भी मिला है। यह मंदिर रानी नेइत का था, जो 2323 ईसा पूर्व से 2150 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले राजा की पत्नी थी। उन राजा का नाम तेती था। इसके अलावा रहस्यमय किताब बुक ऑफ डेथ में इनके पन्ने मिलते हैं। मिस्र के रहस्यमय कहानियों में रानी क्लियोपेट्रा भी बहुत प्रसिद्ध है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोबरा से खुद को कटवा कर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि वह दुनिया की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत महिला थी। वह दुनिया के तीन ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, सीजर, मार्क एंटोन और ऑक्टेवियन। सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। उन दोनों का एक बेटा भी था। कहते हैं कि सीजर की मौत के 14 साल बाद, जब ऑक्टेवियन की सेना ने उन्हें घेर लिया था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी। पिरामिड और ममी में हमेशा से दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। ममी को लेकर पश्चिमी देशों में तमाम किस्से कहानियां चलन में हैं। इन पर कई फिल्में भी बनी हैं। ममी के बारे में और जानने के मकसद से कई तरह के रिसर्च और खोजबीन चलती रहती है। हाल ही में प्राचीन मिस्र के राजा तुतनखामेन को लेकर एक नई खोज की गई है, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक तुतनखामेन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। इससे पहले मिस्र के अधिकारी ये दावा करते थे कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। एक थ्योरी में कहा गया था कि तुतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त चैम्बर है, जिसमें रानी नेफर्टिटी का मकबरा है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफर्टिटी तुतनखामेन की माँ थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश पुरातत्वविद निकोलस डिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे। 2015 में छपे निकोलस डिवेस के रिसर्च पेपर द बुरियल ऑफ नेफर्टिटी के मुताबिक रानी नेफर्टिटी के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफर्टिटी के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही। रानी नेफर्टिटी की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता करती है। ये भी माना जाता है कि रानी के पति फराओ अखनातन की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठाने के बीच का जो वक्त था,
उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। महारानी नेफर्तिती और फराओ अखनातन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया था क्योंकि अखनातन ने अनेक मिस्री देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा शुरू करवाई थी। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत के बने आभूषणों का जखीरा निकाला। काटन ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा था तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और उसका पूरा चेहरा सोने के बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए काटन और उनके टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उन्हें फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद मम्मी को एक्सरे के लिए तीन बार और निकाला गया। 1968 में एक्सरे से पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे पता चलता है कि तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं है। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखती है। साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज भी सुनाई देती है। तूतनखामेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार सिटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तूतनखामेन की आत्मा को घूमते देखा गया है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं रही है जिसके बारे में कई बातें कही जाती है। इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसीलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्यमय कहानियां भारत में ही नहीं बल्कि हर देशों में घटती है। ऐसी ही रहस्यमय कहानी है मिस्र की। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पे रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों की सच्चाई का अभी तक पता नहीं लग पाया है। आज हमने आप सबको मिस्र के बारे में कुछ रहस्यमय किस्से सुनाए। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए किस्से के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए और हमें बताएं कि इतिहास के कौन कौन से किस्से आप सुनना चाहते हैं। तब तक देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।